देश डिजिटल युग में तरक्की पर है। आप डिजिटल लेन देन की बात अक्सर सुनते होंगे, देखते होंगे, डिजिटल तरीके अपनाते होंगे। डिजिटल दान की भी बात आपने सुनी होगी। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो डिजिटल तरीके से भीख मांगता है। जी हाँ, आपको कई लोग भीख मांगते दिख जाएंगे रेलवे स्टेशन पर, स्ट्रीट लाइट पर, पार्क या अन्य ऐसी जगह पर जहाँ पर पब्लिक का आना जाना होता है। छत्तीसगढ़ के छिंदवाड़ा में ये भिखारी अब सुर्खियों में है। नाम है हेमंत और ऑनलाइन भीख मांगते हैं। हेमंत कुमार सूर्यवंशी फोन पे और गूगल पे पर भीख लेते हैं। अब छुट्टे पैसे का बहाना इनके सामने नहीं चलेगा। छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने वाले शख्स की पहचान दूर से ही हो जाती है, क्योंकि उनके गले में QR कोड की तख्ती हमेशा लटकी रहती है और हाथ में टैब भी रखते हैं। अगर पैसे मांगने पर कोई कहता है कि छुट्टे पैसे नहीं हैं, तो ये कहते हैं कि फ़ोन पे या गूगल पे कर दो। हेमंत कुमार सूर्यवंशी खुद को देश के हाईटेक भिखारी बताते हैं। बताया जाता है कि हेमंत कुमार नगर निगम के पीछे रहते हैं और अनोखे तरीके से बचपन से ही ये भीख मांगते आए हैं। इधर कुछ दिनों से स्टेशन पर लोग भीख मांगने पर छुट्टे नहीं हैं का बहाना बनाकर चले जाते थे। उनको पैसा मिलना बंद हो गया। इसके बाद हेमंत ने डिजिटल तरीका अपनाया। उन्होंने पैन कार्ड बनवाया और बैंक में खाता खुलवाया। इसके बाद डिजिटल भीख मांगना शुरू कर दिया। हेमंत छत्तीसगढ़ के हैं। उनसे पहले बिहार के बेतिया में रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने वाले राजू प्रसाद सोशल मीडिया पर फेमस हो चुके हैं। राजू देश के पहले डिजिटल भिखारी बताए जाते हैं। हेमंत की तरह राजू भी अपने गले में ई वॉलेट का QR कोड टांग कर भीख मांगते हैं। इस खबर का उद्देश्य किसी का उपहास उड़ाना नहीं है, यह सिर्फ जानकारी के लिए साझा की जा रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। नमस्कार।